सबको नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे हेनरी फ्योल के प्रशासनिक विचार के क्रम में प्रशासन के बारे में हेनरी फ्योल ने क्या कहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हेनरी फ्योल की प्रबंधकीय गतिविधियों के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हेनरी फ्योल, जो कि प्रबंध या प्रशासन के सिद्धांतों के जनक माने जाते हैं, वे एक फ्रेंच प्रशासनिक विचारक थे। फ्रेंच इंजीनियर के रूप में उन्होंने काम किया। 1916 में उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्रकाशित हुई। मूलतः वह फ्रेंच भाषा में थी, लेकिन बाद में 1929 में इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ। तब से फ्योल के सिद्धांत मशहूर हो गए। इस पुस्तक की प्रस्तावना उर्विक ने लिखी थी। हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी प्रशासन को, प्रबंधन के समान बताया है। अर्थात प्रशासन और प्रबंध में हेनरी फ्योल भेद नहीं करते। उसी प्रकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में भी हेनरी फ्योल भेद नहीं करते। अर्थात हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध तथा प्रशासन एक ही है, तथा लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है। प्रशासन को हेनरी फ्योल ने एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा है, जिसे समान रूप से सब जगह लागू किया जा सकता है। लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की जो अवधारणा है, उसके समर्थक माने जाते हैं फ्योल। फ्योल के मुख्यतः जो दो टॉपिक हैं, उसमें एक है प्रबंधकीय गतिविधियां तथा दूसरा है संगठन के सिद्धांत। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो प्रबंधकीय गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। हेनरी फ्योल ने प्रशासन, प्रबंधन या कुछ मामलों में कहे तो संगठन, इनको समान बताया है। प्रशासन कहें या प्रबंध कहें, एक ही बात है। तो संगठन में जो प्रशासनिक गतिविधियां होती है या प्रबंधकीय गतिविधियां होती है, वो कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हेनरी फ्योल ने कहा था कि प्रशासन सरकार का एक आवश्यक भाग है। और उन्होंने कहा था प्रशासन हर जगह है, वह प्रशासन के सिद्धांतों का सब जगह इस्तेमाल होता है। वो चाहे अकेला व्यक्ति हो, समाज में रहने वाला, परिवार में रहने वाला, या कोई राजनेता हो, या कोई प्रशासनिक कार्य संपादित करता हो, सबको प्रशासन के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। इस अर्थ में उन्होंने प्रशासन को सार्वभौमिक प्रक्रिया बताया था। अब किसी भी संगठन में एक प्रशासक को या प्रबंधक को, वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से वो कार्य कर पाते हैं, तो किसी भी संगठन में उन्होंने जो गतिविधियां बताई हैं, वो 6 गतिविधियां बताई हैं। इनको याद रखने के लिए, क्योंकि ये फैक्ट जैसी होती है, फैक्ट जैसी, तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हो। ये 6 गतिविधियां एज फैक्ट याद कर लो आप, एज फैक्ट। वैसे अगर क्रम से देखें तो पहली गतिविधि है टेक्निकल एक्टिविटी, टेक्निकल एक्टिविटी। कोई भी संगठन होता है, उसमें तकनीकी गतिविधियां होती है। उस संगठन की वस्तुओं के उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, विनिर्माण तथा अनुकूलन, इस प्रकार की गतिविधियां
टेक्निकल एक्टिविटीज़ में शामिल की जाती है। उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एंड अनुकूलन, एडेप्टेशन। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एडेप्टेशन ये प्रकार की गतिविधियां हैं, ये तकनीकी गतिविधियों में शामिल करते हैं और ये सबसे संगठन में सबसे नीचे के स्तर पर होती है। तकनीकी गतिविधियां लोअर लेवल पर होती है। दूसरे प्रकार की जो गतिविधि है वो है कॉमर्शियल। पहली टेक्निकल और दूसरी कॉमर्शियल गतिविधि। कॉमर्शियल गतिविधि में वाणिज्यिक गतिविधियों में वस्तुओं की खरीद, वस्तुओं की बिक्री, वस्तुओं की खरीद, बाइंग बिक्री सेलिंग तथा मार्केटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर कोई संगठन होगा तो उसको चलाने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होगी, वस्तुओं की खरीद करनी पड़ेगी। अगर कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए तो उसकी बिक्री करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। और आजकल ये तो सबसे आवश्यक गतिविधियाँ हो गई है कि मार्केटिंग के बिना वो चाहे लोक प्रशासन हो, निजी प्रशासन हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि उसमें करनी ही पड़ती है। तो टेक्निकल और कॉमर्शियल, टेक्निकल और कॉमर्शियल गतिविधि के बाद अगली गतिविधि है फाइनेंशियल। यहां जो क्रम दे रखा है वो याद, यहाँ जो ASFACT ये छह प्रकार की प्रबंधकीय गतिविधियों का शॉर्ट नेम है, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं ASFACT। ASFACT कौन कौन सी छह गतिविधियाँ। लेकिन जो किताबों में इसका वर्णन मिलता है और जो हेनरी फेयोल ने किया है वो इस क्रम में किया है, सबसे पहले टेक्निकल, उसके बाद कॉमर्शियल, फिर उसके बाद फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ में किसी भी संगठन में धन होता है, उसकी जो संपत्ति होती है और उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उन संसाधनों का अगर समुचित उपयोग नहीं किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया जाए, तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फाइनेंशियल या वित्तीय जो गतिविधियां हैं उसमें धन या संसाधनों का समुचित उपयोग आवश्यक है। और इसके अंदर फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा जो वित्तीय अनियमितताएं होती है उनसे बचने के लिए उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, का सदुपयोग होना चाहिए। तो वो सारी गतिविधियां किस में शामिल की जाती है, वित्तीय गतिविधियों में शामिल की जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। संगठन में संपत्ति होती है अर्थात प्रॉपर्टी,
बहुत से भौतिक संसाधन होते हैं तो प्रॉपर्टी भी होती है और कार्मिक भी होते हैं या कर्मचारी भी होते हैं, मैन पावर भी होता है। तो संगठन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि उसके मैन पावर और प्रॉपर्टी दोनों की सुरक्षा की जाए। अगर संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो अकेले कार्मिक क्या करेंगे? अगर कार्मिकों को सुरक्षा का संतोष या सुरक्षा की धारणा उनमें नहीं होगी तो वो अच्छी तरीके से संगठन में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में संपत्ति और कार्मिक के जान माल की यानी रक्षा होनी चाहिए संगठन में। उसके पश्चात अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब अकाउंटिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने में लेखांकन। कोई भी संगठन चलता है तो वो ऐसा तो है नहीं कि उसका हिसाब नहीं रखा जाए। संगठन में कितने पैसे लग रहे हैं, कितना धन आ रहा है, क्या हम यूज कर पा रहे हैं, तो समस्त जो गतिविधियां होती है वो लेखांकन में आती है। स्टॉक रिलेटेड वित्तीय अनियमितताओं का वित्तीय अनियमितता इसका पता चलता है, कमजोरियों का पता चलता है और इसमें कितनी लागत है, कितना हमारे लागत का जोखिम का मूल्यांकन और फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी अपने स्टॉक से संबंधित होती है, स्टॉक का लेखन किस प्रकार करें, ये सब बातें इसमें शामिल होती है। तो ये भी संगठन की एक आवश्यक गतिविधि है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है वो गतिविधि है एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल। पांच गतिविधियों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो गतिविधि है वो है मैनेजेरियल कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव कहें। वैसे मूल रूप से तो यही गतिविधियां हैं, लेकिन ये गतिविधि उन पांच गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई हैं, उन पांचों से जुड़ी हुई है कि मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या करना चाहिए, एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर को। तो इसमें फेयोल ने पांच कार्य बताए हैं और उनको POCCC, ये एब्रीविएशन है, एक एक लेटर इसका लेकर एक इसमें संयुक्ताक्षर बना दिया गया है। इसमें जो पहली गतिविधि है वो है प्लानिंग, अर्थात नियोजन या योजना बनाना। इसके अंतर्गत मैनेजर को पूर्वानुमान लगाना होता है, दूरदर्शिता के साथ योजना बनानी पड़ती है और पूर्व की ओर देखना। नियोजन को फेयोल ने प्रबंधन का बहुमूल्य उपकरण कहा है, प्रबंधन का बहुमूल्य उपकरण। अगर कोई योजना ही नहीं बना सकता तो वो संगठन को अच्छी तरीके से नहीं चला पाएगा। दूसरी गतिविधि है वो है ऑर्गेनाइजिंग, अर्थात संगठन निर्माण। इसके अंतर्गत मानव और भौतिक संसाधन दोनों आते हैं, मानव तथा भौतिक संसाधन, इन दोनों की व्यवस्था करनी होती है। तो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई ऑर्गेनाइजिंग, ये एक मैनेजर के लिए या एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है। तीसरी जो गतिविधि है वो है कमांडिंग,
आदेश देना, और आदेश देने के बारे में हेनरी फ्योल ने कहा है, आदेश देना एक कला है, यह हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो कोई मैनेजर सक्षम होते हुए भी अपने कर्मचारियों से काम नहीं करवा पाता, तथा कुछ मैनेजर थोड़ा बहुत सक्षम नहीं होते हैं तो भी उनमें ये आदेश देने की कला होती है कि वो अपने कार्मिकों से संगठन के सारे उद्देश्य पूरे करवा लेते हैं। जो प्रबंधक या प्रशासक अपने जितने भी अधीनस्थ कार्मिक है उनको अगर उसने संगठन के उद्देश्यों से जोड़ दिया तो वो सफल, वरना वो प्रबंधक असफल माना जाता है। तो फेयोल के अनुसार आदेश देने की कला होनी चाहिए, और ये कला वेरी करती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अर्थात आदेश देने की कला अलग अलग होती है। अब जो आगे का दो गतिविधियां और बच गई, चौथी जो गतिविधि या प्रबंध के कार्य हैं उसमें आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय करना, और समन्वय संगठन में कई इकाई होती है, कार्य होते हैं या विभाग होते हैं, इन सब के मध्य तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा, संगठन के विभिन्न इकाइयों में, कार्यों में, विभागों में तालमेल नहीं होगा तो संगठन में आपसी सामंजस्य की कमी हो जाएगी। तो विभागों में तालमेल जरूरी है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हेनरी फेयोल की जो पुस्तकें हैं या अन्य विचारकों से संबंधित आजकल जो पुस्तकें चलती हैं उनमें तो ये उदाहरण नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने एक कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया है जैसे प्रशासन शहरों के संग या प्रशासन गांव के संग, उसको जैसे ही उसका क्रियान्वयन किया जाता है तो पूरा का पूरा प्रशासन एक निश्चित अवधि में लगभग 10 से अधिक विभागों के आपसी समन्वय के फलस्वरूप इतने बड़े राज्य में उस कार्य को पूरा कर पाता है। अगर वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं उसमें, अगर इनका सहयोग नहीं हो तो ऐसे कार्यक्रम हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें सभी विभागों में, कार्यों में, इकाइयों में एक आपसी सामंजस्य तथा तालमेल की आवश्यकता होती है। अगर ये देखने को मिलता है तो वहाँ पर समन्वय होता है, और ये एक प्रबंधक का कार्य होता है। हेनरी फेयोल के अनुसार उच्च स्तर का जो प्रबंधन है, उच्च स्तर का प्रबंधन, उसके ये पांच कार्य हैं, जो बाकी के पांच प्रबंधकीय गतिविधियां हैं इनसे रिलेटेड है, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी रिलेटेड और अकाउंटिंग, इनसे रिलेटेड ये मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है। उसके तहत पांच प्रकार के कार्य हैं जिनको कई बार प्रशासन के या प्रबंधन के पांच कार्य भी कहा जाता है, कभी कभी इसको तत्व भी कह दिया जाता है, प्रशासन और प्रबंधन के तत्व। अब तालमेल से समन्वय हो जाता है। अब अगला जो है वो है कंट्रोल। पांचवा जो सी है वो कंट्रोल। तीन प्रकार के सी हैं, याद रहने में दिक्कत हो सकती है। पहला प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा कमांड, कमांडिंग आदेश देना, चौथा
कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा कंट्रोल। याद रहने की समस्या हो सकती है। CCC कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल, तीन सी हैं इसमें। तो कंट्रोल में पांच प्रकार की क्रियाओं को फ्योल ने शामिल किया है। और ये पांच प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी है? अवलोकन, निगरानी, जांच, लेखा परीक्षण और प्रतिपुष्टि। अवलोकन करना, संगठन में कोई कार्य हो रहा है तो वो कार्य अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं है इसका अवलोकन करें प्रशासक या प्रबंध। जांच करें, निगरानी करें, लेखा परीक्षण करवाएं तथा उसकी प्रतिपुष्टि भी लें। इससे क्या होता है कि संगठन की जो भी कमजोरियां हैं, संगठन की कमजोरियां पता चल जाती है और इससे संगठन में जो भी उद्देश्यों में, उद्देश्य प्राप्त होने में जो समस्याएं आ रही है उनका निराकरण हम कर सकते हैं। तो ये छह प्रकार की प्रबंधकीय गतिविधियां हैं, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड एंड मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में POCCC, ये पांच प्रकार के कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। तो हेनरी फेयोल के प्रबंधकीय गतिविधियां जो छह प्रकार की है, वाणिज्यिक, तकनीकी, वित्तीय, सुरक्षा संबंधी, लेखांकन संबंधी तथा प्रबंधकीय गतिविधियां। प्रबंधकीय गतिविधियों को फिर से विभाजित किया जा सकता है जिसमें नियोजन, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण। अब जो हेनरी फेयोल का बचा हुआ भाग है, संगठन के सिद्धांत जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।